हमारा देश धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों से भरा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा होगा भारी, किसको मिलेगी जीत और किसको करना पड़ेगा हार का सामना। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सनी सम्राट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, जिस तरह से ज्योतिष में एक गणना की जाती है, यह कोई प्रमाणित तथ्य हम पेश नहीं करते और न ही भविष्य भूत की जानकारी देते हैं। गणना के आधार पर हम सिर्फ एक पहलू रखते हैं जो सत्य भी होते हैं और कई बार यह निराधार भी हो जाते हैं और हम यह दावा भी नहीं करते कि ये पूर्णतः सत्य है। तो सनी सम्राट, आप ज्योतिष के बारे में क्या बताएंगे दर्शकों को? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम लोग एक अनुमानित गणना करते हैं, हम लोग भगवान नहीं। अगर हम कोई बात कहते भी हैं तो हम उसका एक परसेंटेज में अनुमान निकाल सकते हैं, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। पिछले बार भी मैंने कुछ वीडियोस दिए थे तो कई लोगों का उसमें ये था कि इसमें ये चीज़ सही थी, ये गलत थी। तो हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, इसमें किसी भी व्यक्ति का पर्सनल भावना या उसको ठेस पहुँचाना नहीं, क्योंकि जब हम गणना करेंगे तो उस समय कोई व्यक्ति आगे रहेगा, कोई व्यक्ति पीछे रहेगा। बिल्कुल, तो हम आपको जिस तरह से ज्योतिष में एक गणना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम जानकारियां देते हैं और वो कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है, तो इसका आशय ये नहीं कि हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और किसी को जिताने का और किसी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्योतिष के तीन चरणों के आधार पर हम अपने प्रत्याशियों की जीत हार का अनुमान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं रीवा संसदीय सीट से तीन प्रत्याशी कौन है। तो सबसे पहला नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन मिश्र का, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, वर्तमान में यहां से सांसद है। और दूसरा नाम है सिद्धार्थ तिवारी उर्फ राज का। राज को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वह सबसे युवा प्रत्याशी हैं, पहली बार लोकसभा के मैदान में है। तो तीसरे प्रत्याशी के रूप में विकास पटेल है, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तीनों प्रत्याशियों की बात करें, इसके पहले हम आपको जनार्दन मिश्र की कुंडली क्या कहती है इसके बारे में बताना चाहते हैं। तो सनी सम्राट बताएंगे आपको जनार्दन मिश्र सांसद, उनकी कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं ज्योतिष के तीन गणनाओं के आधार पर अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहला है टैरो, दूसरा जन्मांक जो उनके जन्म दिवस के आधार पर है, और तीसरा है आपका नामानुसार राशि। सबसे पहले हम टैरो में जाते हैं। तो टैरो में अगर हम जाते हैं तो जो हमारे आदरणीय विजय जी बताए गए सबसे पहले प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा जी, उनके टैरो में नाम के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को जोड़ने पे टोटल आता है 27। जब इसको पूरा करते हैं तो वो हो जाता है 9। ये मार्स का साइन है, या कि मंगल ग्रह का। मंगलदेव जो कि ग्रहों में सेनापति के नंतु एक क्रूर ग्रह माने गए हैं, हर मांगलिक कार्य में इनकी उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि इनका संबंध सीधे रक्त से होता है, इसीलिए व्यक्ति इससे उग्र भी होते हैं, इनका रंग भी लाल माना जाता है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इनकी दशा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या इनसे संबंधित किसी भी समय में व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, इससे वो शांत होता है, या फिर मंगलवार को सूजी में लाल रंग मिला के प्रसाद रूप में हनुमान जी के मंदिर में बांटे। दूसरी ओर देखा जाए तो इनके नाम से प्रतीत है कि इनके बगैर मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। ये तो हुआ इनका परिचय। अब हम आते हैं इनके कार्यक्षेत्र में। अगर कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो इसका सीधा संबंध इंजीनियरिंग से, भवन निर्माण से, आर्किटेक्चर से है, तथा इसके अलावा ये रक्त, चीरफाड़, डॉक्टरी से भी इसका संबंध है, जिस कारण इससे संबंधित व्यक्ति का स्वभाव कठोर व निर्मम हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति कठोर, उग्र व क्रोधी भी होता है, लेकिन वो अपने क्रोध वह अपनी जिद को जब काम में लगाता है तो ये विल पावर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण इन्हें विल पावर का यानी कि इच्छा शक्ति का ग्रह माना जा सकता है। और अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सभी जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। अब हम आते हैं इनकी स्थिति में।
गोचर में मंगल वृषभ राशि में स्थित है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। मंगल देव देव ग्रहों के सेनापति हैं और शुक्र देव जो कि असुरों के शुक्राचार्य हैं, अतः ये अपने अति शत्रु के घर में हैं। इसीलिए थोड़ा सा इनके उसमें एक समस्या रहेगी, पर प्रयास अच्छा रहेगा। पर एक खास ये बात भी है कि मंगल देव अभी तक हैं, ये 6 तारीख को मिथुन में आएंगे, यानी कि जब तक प्रचार का समय है ये तपाएंगे, लेकिन अपने दोस्त घर के ग्रह के घर में आने पर, मित्र के घर में आने, बुध जो कि देवताओं के गणपति के घर में आने पे अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो इस अनुसार तो जब तक कार्य क्षेत्र है ये इनके कार्य क्षेत्र में प्रचार और पिछले कार्यों के आधार पर ही निर्भर करेगा, ये ग्रहों के अनुसार तो उतना खास दम नहीं दे रहे। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी उर्फ राज का। राज, जैसा कि आप जानते हैं कि युवा प्रत्याशी हैं, एक यूथ में उनकी जबरदस्त पकड़ दिखाई दे रही, इंजीनियर करके वो आए हैं, साथ ही MBA भी हैं, यानी कि उच्च शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वो कार्यरत थे और कई इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर चुके हैं। अब राजनीति में वो अपना यहाँ पर अनुभव किस तरह से बनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब जानते हो कि कुंडलियों में क्या ग्रह नक्षत्रों का क्या है अनुमान। आदरणीय श्री सिद्धार्थ तिवारी उर्फ राज भैया, जो कि एक नवयुवक और नए व्यक्ति हैं राजनीति में, इनके नाम के अनुसार जो योग आ रहा है अंकों का वो 2 है। 2 जो कि मून का साइन है, मून इस चंद्र, चंद्र जो कि एक निर्मल शीतल शीतलता का प्रतीक है तथा लोगों को शांति प्रदान करने वाला ग्रह है, तथा साथ ही ये महादेव के शरीर का एक मूल भाग है। इसका रंग सफेद होता है तथा ये नेतागिरी से संबंधित व सफेद रंग से संबंधित अन्य सभी कार्यों में संलग्न होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि नेताओं की पोशाक भी सफेद होती है, दूध दही पनीर चूना सफेद रंग पानी व सभी कार्यों के लिए इसका बलि होना अत्यंत आवश्यक है। खासकर चंद्र की जिसपे कृपा होती है वो नेतागिरी में चुनाव लड़के जरूर ख्याति प्राप्त करते हैं, अतः इस कारण चुनाव संबंध में देखा जाए तो इसका बड़ा ही गहरा महत्व है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सूर्य की गर्मी लेता है परंतु लोगों को उसे शीतल रूप में प्रदान करता है। इसी तरह सबसे बड़ी चीज ये है कि सामान्य रूप से अगर किसी को घबराहट भी हो रही है, मन भी भारी है, तो हम यही कहते हैं उसका चंद्र वीक है। और किसी बच्चे के पैदा होने के बाद सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसकी कुंडली में चंद्र की स्थिति क्या है। यदि चंद्र वीक हो तो चावल का दान करके उसको शांत किया जाता है। ये काफी सेंसिटिव ग्रह है। गोचर में चंद्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी स्थिति प्रतिदिन 1 से 1.5 ग्रह पड़ती है। अगर मैं 6 मई का देखूं तो 6 मई को ये सिंह में है और जब चंद्र सिंह राशि में होते हैं तो कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा व्यक्ति में मनोबल बढ़ता है। तो अगर इनके चंद्र ने इन पे कृपा की और वही कार्य बल अगर वोटिंग में दिखाई दिया तो इनके चांसेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि पहली चीज तो चंद्र है ही नेतागिरी से संबंधित, दूसरा वो उस दिन है भी सिंह राशि में, हो सकता है वो इनके किए गए कार्यों को सूर्य से गर्मी के रूप में ले और जैसे लोगों को शीतलता देते हैं रिजल्ट में शीतलता मिले। तो सम्राट जिस तरह से राज की एंट्री हुई राजनीति में, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे थे और रीवा से बाहर थे, बड़े शहरों में थे, बावजूद इसके वो राजनीति में एकदम से आया। उनका राजनीतिक कैरियर बहुत छोटा है लेकिन जो जिम्मेदारी दी गई है उनको काफी बड़ी है। तो क्या माने अपन कि ये चंद्र ग्रह जो है उनके ग्रह इस ओर फेवर को लेकर आ रहे हैं। मैं बोल तो रहा था बीच में अपन बात कर रहे थे, दूसरी में वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि हो सकता है उनके कार्य को वो सूर्य से गर्मी के रूप में लें और जब रिजल्ट आए तो वो जैसे चंद्र शीतलता प्रदान करता है रिजल्ट शीतलता प्रदान करे, इस अनुसार इनके चांसेस बहुत अच्छे हैं गोचर के अनुसार। और वैसे भी चंद्र नेतागिरी से संबंधित ग्रह तो यहाँ भी, तो दोनों ही कंडीशन से इनके चांसेस काफी अच्छे बन रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विकास सिंह पटेल की, तो क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं शनि सम्राट से। विकास जी की बात की जाए तो इनके नाम का जो योग आ रहा है टैरो में वो 8 आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 8 शनि का अंग है, नाम सुनते ही रोंगटे खड़े कर देने वाला ग्रह है शनि, जिसका काम ही लोगों को सिर्फ उनके किए गए कर्मों के अनुसार फल
देना है, चाहे वो फल अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। सामान्य तौर पर यही मानते हैं कि अगर वो आ गया तो दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं। शनि महाराज की जिस पे कृपा हो जाए तो कलयुग में तो उन्हीं की ही चलती है और वो बहुत आगे बढ़ जाता है। यह सूर्य पुत्र है, रवि सूत के नाम से माने जाते हैं। इनकी 7.5-7.5 महादशा में केवल समस्या व घाटा नहीं होता अपितु लाभ भी होता है, इसीलिए इनको न्याय का देवता दंडाधिकारी माना गया है। देव वान सूर्य वानर कोई भी जीव हो, सबसे जो उनके पूर्व जन्म वर्तमान में और उनके वर्तमान कर्मों के आधार पे, जन्म के पूर्व कर्मों के आधार पे ये फल प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें दंडाधिकारी न्यायाधीश भी कहा जाता है। और जब रावण ने 9 ग्रहों को अपने वश में किया था तो उस समय उनके कंट्रोल में होते हुए भी जब इनने उनके ऊपर वक्र दृष्टि डाली थी तो बंदी होते हुए उसका सिंहासन हिला दिया था, अतः वे काफी बलि माने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सूर्य पुत्र है लेकिन पैदा होते ही इन्होंने उनपे भी ग्रहण डाल दिया था। इनका कब किस पे कैसा प्रभाव हो जाए ये कुछ कह नहीं सकता, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म और अभी के किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु फिर भी अगर ये तो इनका स्वभाव था, अगर हम इनकी गोचर में स्थिति के अनुसार बात करें तो आज ये धनु में है और धनु जो है उसके मालिक गुरु हैं, बृहस्पति हैं, जो कि देव के देव गुरु बृहस्पति कहलाते हैं। परंतु अभी 30 अप्रैल से इनकी 4 बकरी हो गई है, तो अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति घर में तो फल ज्यादा अच्छा नहीं दे, पर बकरी होने पे फल अच्छा देने के कुछ चांस बनते हैं, तो इनके भी काफी चांस अच्छे तो नहीं पर अच्छे हैं। अभी आपने देखा टेरो के आधार पर इन तीनों प्रत्याशियों की कुंडली क्या कहती है। अब हम आपको जन्मांक के आधार पर बताएंगे कि किसका फल रहा भारी है और किसकी कुंडली में राजयोग है जो उसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनार्दन मिश्र की। आदरणीय जनार्दन मिश्र जो कि बीजेपी कमल चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका जन्म दिवस जो हमें 11 सूत्रों से प्राप्त हुआ है वो है 1 मई 1956। उसमें अगर हम मॉनिटर को देखें तो मॉनिटर एक होता है और मॉनिटर एक होने पे अंक जो है वो सूर्य का कहलाता है, और जब उस मॉनिटर के अनुसार इस साल का उनका हम अंक निकालते हैं 1 मई 2019 तो इनको देखने पे योग जो आता है वो 9 आता है, 9 मंगल का अंक है। सूर्य देव ग्रहों के अधिपति हैं, राजा हैं, मालिक हैं, लीडर हैं, मंगल उनके सेनापति हैं, तो इस अनुसार इनके चांसेस काफी अच्छे हैं, मंगल सूर्य को बल देंगे और ये वर्ष पूरा उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जनार्दन मिश्र वर्तमान में सांसद हैं और जिस तरह से उनके ग्रह योग बनते हैं वो उनके लिए बेहद अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं सिद्धार्थ राज तिवारी की। सिद्धार्थ राज तिवारी की जन्मांक क्या कहती है, क्या है उनके राशियों के आधार पर ग्रह नक्षत्र, आइए जानते हैं। सिद्धार्थ तिवारी जो कि कांग्रेस पार्टी पंजे के चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं, 11 सूत्रों से हमें इनका जन्म दिवस 30/3/1983 प्राप्त हुआ है, जिसका मॉनिटर 3 यानी कि गुरु का अंक है। और अगर हम इस साल का देखें 30/3/2019 इनको जोड़ने पे भी योग 9 आता है जो कि मंगल का साइन है, और गुरु और मंगल दोनों ही काफी परम मित्र हैं, तो इस अनुसार इनका भी ये वर्ष काफी अच्छा है और इस गणना के अनुसार इनके लिए चुनाव काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रत्याशी विकास सिंह पटेल का। तो विकास सिंह पटेल की कुंडली में कितना किस राशि का प्रभाव है बताएंगे शनि सम्राट। आदरणीय विकास सिंह पटेल जी की बात करें जिनका चुनाव बसपा से लड़ रहे हैं, जो इनकी 11 सूत्रों से डेट ऑफ बर्थ 4/2/1983 है, 4 जो कि मॉनिटर राहु का अंक है, और जब हम इनका इस साल का पूरा वो निकालते हैं रिसीवर 4/2/2019 तो 18 यानी 9 आता है। यहाँ भी इनका रिसीवर मंगल आता है, परंतु मंगल देव ग्रहों के सेनापति हैं और राहु असुर सेना के हैं, इसीलिए यहाँ पे विरोध आ रहा है, इसीलिए इनके लिए इस अनुसार रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने जाना जन्मांक के आधार पर तीनों प्रत्याशियों का यहाँ पर कुंडली, और अगर हम बताएं आपको कि इस पे कौन भारी पड़ रहा है तो तीनों में से वर्तमान में जिस तरह से राज तिवारी के ग्रह योग बन रहे हैं वो निश्चित तौर पर प्रभावशाली हो रहे हैं। तो टैरो के आधार पर राज तिवारी सबसे ऊपर थे, उसी तरह से
जन्मांक के आधार पर भी राज तिवारी के प्रबल योग है। ऐसे में जनार्दन मिश्र उनको जोरदार टक्कर दे रहे हैं। अब इसमें किस्मत किसकी होगी और कौन सत्ता के शिखर तक पहुंचनेगा, यह 23 मई को ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन अब आप हम आपको बताते हैं नाम अनुसार किस प्रत्याशी का प्रबल योग बनता है। तो सबसे पहले जनार्दन मिश्र जी, जिनका नाम जनार्दन मिश्र है, ये मकर राशि के प्रवक्ता है। मकर जिसके स्वामी शनि होते हैं, क्योंकि शनि का गोचर जो है वो धनु में है, परंतु अभी ये वक्री हैं। तो धनु के स्वामी गुरु हैं, इसीलिए यहाँ विरोधाभास होता है, परंतु वक्री होने के कारण अच्छा फल भी दे सकते हैं, तो यहाँ काफी अच्छा तो नहीं पर ठीक माना जाएगा। अब बात करते हैं सिद्धार्थ राज तिवारी की। सिद्धार्थ राज तिवारी जी का नाम भी साथ से है, जो कि कुंभ राशि की बात करें, कुंभ के स्वामी शनि है। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ कंडीशन टाई की आ रही है। ये भी शनि धनु में ही स्थित है जैसे कि पूर्व बताया, परंतु वक्री हो गए 30 अप्रैल से, तो अच्छा फल देने के चांसेस रहते हैं अपने शत्रु ग्रह के घर में भी, तो इनके भी चांसेस ठीक ही हैं इस अनुसार। अगर बात की जाए विकास सिंह पटेल के, तो विकास सिंह पटेल कितना प्रभावशाली है नाम अनुसार बताएंगे शनि सम्राट। विकास सिंह पटेल जी की बात की जाए तो इनके नामानुसार राशि वृष है। वृष के मालिक होते हैं शुक्र, यानी कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जो कि आज की डेट में मीन यानी कि जो गुरु महाराज यानी बृहस्पति के ही घर में है। देखा जाए तो सभी ग्रह जो यहाँ मेन भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं वो सभी गुरु बृहस्पति के घर में ही है, तो सबको बृहस्पति को ही तगड़ा करना चाहिए। और क्योंकि ये देव गुरु है वो असुर गुरु है, तो यहाँ तो बिल्कुल विरोधाभास का प्रभाव है, तो यहाँ तो चांसेस बहुत ही कम है। तो अभी आपने देखा टेरो के आधार पर, जन्मांक के आधार पर और नाम राशि के अनुसार तीनों प्रत्याशियों की कुंडली। अब अगर हम बात करें तीनों आधारों पर किसका पलड़ा भारी है, तो ये उनके कार्य क्षेत्र पर निर्भर करेगा, और कितना अच्छा प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, जनता तक कितना पहुंच पा रहे हैं, और उन्होंने पूर्व में कैसे काम किए हैं। तो क्या लगता है शनि सम्राट की तीनों के आधार पर अगर हम देखें तो किसका पलड़ा भारी है? देखिए इन दो आधारों पे तो मतलब कि अगर हम नामानुसार बात किया, अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो जनार्दन मिश्रा और सिद्धार्थ तिवारी जी का तो टाई ही आ रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब मेन भूमिका अदा करती टैरो में भी जो आपके मंगल है, मंगल अभी वृषभ राशि में है, तो जब तक इनका कार्य क्षेत्र है वो वृषभ राशि में है, शुक्र के घर में है, तपाएगा जरूर, परंतु जिस दिन चुनाव के रिजल्ट का समय चालू होगा उस दिन से वो अपने मित्र ग्रह यानी कि गणेश भगवान बुद्ध के घर में आ रहे हैं, मिथुन में आ रहे हैं। और यहाँ चंद्र है, चंद्र भले ही सिंह राशि में है अच्छा फल देंगे, पर चंद्र का ऐसा है कि वो वोट देते दिन किस राशि में है उस दिन कहाँ होंगे, चंद्र की प्रतिदिन अवस्था बदलती है, तो दोनों ही कंडीशन काफी ज्यादा टाई करने की कंडीशन आ रही है। पर फिर भी अगर उस दिन या आज के अनुसार हम बोलें तो अगर 90% चांस जनार्दन मिश्रा के लग रहे हैं अनुसार, तो 100% चांस सिद्धार्थ तिवारी जी के लग रहे हैं। बिल्कुल, दर्शकों आपने जैसा कि सुना कि यहाँ पर जनार्दन मिश्र उनकी पार्टी बड़ी है, और जिस तरह से यहाँ पर मोदी लहर चल रही है निश्चित तौर पर दर्शक ये मानते हैं और साथ ही मतदाता मोदी पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ तिवारी की जो कुंडली कहती है उनके चांस भी कम नहीं है, वो भी यहाँ पर प्रबल योग के दावेदार हैं, और हो ना हो उनके सिर भी जीत का ताज हो सकता है, और यही उनकी कुंडली भी कहती है और उनके योग भी कहते हैं। हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं आपको, हम कोई घोषणाएं नहीं करते और ना ही भविष्य की वाणी कर रहे हैं, हम सिर्फ कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर एक कल्पना करते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वही महत्वपूर्ण होगा, वही सत्य होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि इन तीन गणनाओं में आखिरी की दो गणनाओं में टाई हो रहा था, जो ये पहली गणना थी हमारी टैरो के आधार पे, इसमें दोनों के ही आखिरी के ग्रहों में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो निश्चितता का आभास करे। अगर मंगल देव आज उनको तपा रहे हैं तो हो सकता है कि जनार्दन जी को वो रिजल्ट आने के समय शीतलता प्रदान करे, आराम प्रदान करें। ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ तिवारी जी का आज अच्छा चल रहा है चंद्र, उस समय चंद्र विपरीत हो जाए या कुछ हो जाए
इसीलिए कोई प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं आ पा रही इसमें, दोनों की टक्कर कांटे की रहेगी। पर फिर भी अगर आज के अनुसार बात करें, जब हम भविष्यवाणी कर रहे हैं या जिस दिन तक हम वोट का देख पा रहे हैं गोचर, उस दिन तक ज्यादा चांसेस जो है आपके सिद्धार्थ तिवारी जी के हैं। परंतु हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये इनका पहली बार चुनाव है और जनार्दन मिश्रा पहले भी इस पद में रह चुके हैं, तो क्योंकि कर्म ही पूजा है और अनुभव का भी एक मायना होता है। बिल्कुल, जैसा कि शनि सम्राट कह रहे हैं कि अनुभव महत्वपूर्ण होता है, एक युवा प्रत्याशी होने के नाते सिद्धार्थ यहाँ पर बेहतरीन तरीके से चुनाव प्रबंधन के गुर सीख कर आए हैं और एक बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चुनाव बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन अनुभव की कमी कहीं ना कहीं उनके साथ है। जो कि जनार्दन मिश्र यहाँ पर प्रबल है, वो वर्तमान में सांसद हैं और उनके साथ एक बड़ा संगठन है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और लगातार उनके साथ दिग्गज नेताओं का शामिल होना और कई पार्टियों से टूटकर उनके साथ एकजुट होकर प्रचार प्रसार करना, निश्चित तौर पर ये उनके लिए मजबूती देता है और उनके लिए यह जीत के शिखर तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, भले विधानसभा चुनाव जैसा रहा हो पर लोकसभा में ये चुनाव कोई किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीजेपी से है तो हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस से है तो हम राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। तो इस चीज का बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। हो सकता है कि किसी प्रत्याशी में कुछ ज्यादा अच्छाइयां भी हो, कुछ ज्यादा कमी भी हो, लेकिन वो आगे बढ़ के किस प्रत्याशी को प्रधानमंत्री बनाता है मेन भूमिका वहां पैदा करती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि रीवा की जनता ऐसी सोच के साथ मतदान करेगी। बिल्कुल, बाकी आप समझदार हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हम निवास करते हैं और यही कल्पना करते हैं कि सभी मतदाता अपने घरों से निकलकर 6 मई को मतदान करने जरूर जाएंगे, क्योंकि मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है और आपको यह विकास की रेखा से जोड़ता है, आपके उन्नति के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मतदान जरूर करिएगा। हम इस प्रण के साथ, इस कार्यक्रम के साथ सभी दर्शकों को यह कहना चाहते हैं कि मतदान जरूरी है, आपका एक वोट किसी प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि देश के भविष्य के साथ जुड़ा है, तो इसलिए वोट करना ना भूलें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।